क्या इन तीनों में से कोई एक मरने वाला है या फिर ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइस एंड वेलकम टू एक्सप्लेनी में, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वन पीस के आने वाले चैप्टर्स में किसकी किससे फाइट हो सकती है और उसका आउटकम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड फाइट की बात करते हैं। हमें पता ही है कि लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड फाइट चल रही है एंड ज्यादा चांसेस तो यही है कि ब्लैकबियर्ड लॉ को हरा देगा, बिकॉज ब्लैकबियर्ड लॉ से ज्यादा स्ट्रांग है और ब्लैकबियर्ड का क्रू भी लॉ के क्रू से ज्यादा स्ट्रांग। तो अगर ब्लैकबियर्ड लॉ को हराता है ना, तो ब्लैकबियर्ड लॉ को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, कॉज लॉ के पास बहुत ही स्पेशल डेविल फ्रूट है एंड मुझे नहीं लगता कि ब्लैकबियर्ड उसे हाथ से जाने देगा। बट दो सिनेरियोज में लॉ बच सकता है। फर्स्ट तो ये कि ब्लैक बियर्ड उसे फौरन न मारकर अपने बेस पर ले जाए और वहां पर गार पाकर उसे बचा ले। एंड सेकंड तो ये कि ब्लैक बियर्ड का पूरा क्रू डेविल फ्रूट यूजर्स का है एंड लॉ के क्रू की स्पेशलिटी अंडर वाटर फाइट है, प्लस उनके पास सबमरीन भी है तो शायद वो बच के निकल सकते हैं। देन सेकंड फाइट है ब्लैक बियर्ड वर्सेस गार। अब अगर आपने वन पीस चैप्टर 1071 के स्पॉयलर्स पढ़े हैं ना, तो आपको पता ही होगा कि गार्प बिहाइव आइलैंड पर जा रहा है। वो वहां पर ब्लैकबियर्ड से फाइट करके कोबी को बचाने जा रहा है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि गार्प ब्लैकबियर्ड को हरा देगा और कुछ लोगों का ये कहना है कि ब्लैकबियर्ड गार्प को हरा देगा। अब देखो, मेरा ओपिनियन तो ये है कि गार्प वर्सेस ब्लैकबियर्ड अगर वन ऑन वन फाइट होती है ना, तो डेफिनेटली गार्प ही जीतेगा। बट यह फाइट सिर्फ ब्लैकबियर्ड से नहीं बल्कि उसके पूरे क्रू के अगेंस्ट है और वो भी उसके बेस पर। तो मुझे नहीं लगता कि गार्प ये हेलम्पो के साथ सबको बचा सकता है। बट अगर गार्प को कुछ हेल्प मिलती है ना, तो अलग बात है। जैसे कि सेंगोकू, स्मोकर और स्वॉर्ड के बाकी मेंबर्स, एंड गार्प को कुछ पायरेट्स की भी हेल्प मिल सकती है, जैसे कि लॉ या काताकुरी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लॉ तो ठीक है क्योंकि वो सेंगोकू से रिलेटेड है एंड क्या पता शायद स्वॉर्ड का मेंबर भी हो, बट काताकुरी क्यों? क्योंकि देखो गाइस, ब्लैकबियर्ड के पास पुडिंग है एंड मुझे नहीं लगता कि काताकुरी को पुडिंग के बारे में पता चलने पर वो शांत बैठेगा। एंड शायद अब तक तो बाकी के बिग मॉम पैरेट्स भी वापस आ गए होंगे, तो शायद वो लोग भी गार्प की तरह बिहाइव आइलैंड पर अटैक करने का सोच रहे होंगे, इसलिए मैंने कहा काताकुरी भी। तो अब सवाल ये आता है ना कि अगर इतने लोग ब्लैकबियर्ड के अगेंस्ट फाइट करते हैं ना, तो ब्लैकबियर्ड डेफिनेटली हार सकता है। बट अगर ब्लैकबियर्ड हारता है ना, तो क्या वो मारा जाएगा? तो आई डोंट थिंक कि कोई ब्लैकबियर्ड को मारेगा, क्योंकि गार्प उसे अरेस्ट करके इंपेल डाउन में डालेगा, ना कि एस की मौत का बदला लेने के लिए उसे मार डालेगा। तो गाइस, बहुत सारे सिचुएशंस और फाइट्स पॉसिबल है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी के मरने के सबसे ज्यादा चांसेस है ना, तो वो है गार्प। कॉज गार्प की डेथ स्टोरी के लिए बहुत सेंस करती है। फर्स्ट तो गार्प ओल्ड जनरेशन से है एंड अगर वो मरता है ना, तो न्यू जनरेशन लाइक कोबी, स्मोकर, इनको शाइन करने का एक चांस मिलेगा। एंड सेकंड चीज ये कि गार्प की डेथ से कोबी जैसा कैरेक्टर बहुत ग्रो कर सकता है। एंड थर्ड चीज ये कि अगर ब्लैकबियर्ड हारता या मरता है ना, तो स्टोरी में से सबसे इंपॉर्टेंट विलन ऐसे ही निकल जाएगा। बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दू ना, तो मुझे नहीं लगता कि ब्लैकबियर्ड गार्प से फाइट करेगा, कॉज ब्लैकबियर्ड ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। क्या आपको पता है ब्लैकबियर्ड की सबसे बड़ी गलती क्या है? अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, कॉज मैं फ्राइडे को वही वीडियो डालने वाला हूँ।